हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ाई करने वाले हैं क्वालिक इक्वेशंस स्टैंडर्ड इलेवंथ के लिए और ये टॉपिक सिर्फ स्टैंडर्ड इलेवेंथ तक लिमिटेड नहीं है आ, ये एक बहुत ही क्रॉस डिसिप्लिन टॉपिक है जिसमें आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मिलेंगे आपको सीखने को मिलेगा इसमें ग्राफ का कन्सेप्ट मैक्म इनमा कुछ हद तक फंक्शंस उसका डिफ्रेंशिएशन तो ये सब जो कन्सेप्ट है क्वाल्टिक इक्वेशन का वो आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे मतलब आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे इस क्वार्टिक इक्वन के कंसेप्ट से ऑलरेडी क्योंकि ये प्री बोर्ड लेवल पे भी आप लोग दो साल पढ़ चुके होंगे जहाँ पे आप पढ़ते हैं कि कॉर्टिक इक्वेशंस के रूट्स कैसे फाइंड करने हैं मोस्टली अल्जब्राइक मेथड से जहाँ पे हम चाहे तो उस क्वार्टिक इक्वेशन को फैक्ट्राइज करते हैं फैक्ट्राइज करके हम उसके रूट्स लिखते हैं तो आज का हमारा जो मेन फोकस होगा वो ये समझना होगा कि एक्चुअली कॉर्टिक इक्वेशन क्या है और जब हम ये बोलते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वालिटी की क्वेश्चन तो इस रूट्स का क्या मतलब है क्या हम इस रूट्स को विजुअलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप अल्जब्राइक को अगर आप ग्राफिकली तरीके से समझ सकें या उसका एप्लीकेशन समझ सकें तो आप बहुत ही इंट्रिकेट प्रॉब्लम्स फिर सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग स्टार्ट ऐसे ही करेंगे ये हमारा स्कोप होगा हमारा जिसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे समझने की कि रूट्स का मतलब क्या होता है फिर ग्राफिकल कंसेप्ट में थोड़ा हम लोग और डीप जाएंगे फिर तो एक रिवीजन होगा एल्जैब्राक कन्सेप्ट का जिससे मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट भी करूँगा एलजैब्रिक कन्सेप्ट सही मैं थोड़ा स्टार्ट भी करूंगा, करूंगा जिससे आपका रिफ्रेश हो जाए जो आपका प्री बोर्ड लेवल का कंसेप्ट है फिर ये एक टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग इसलिए होगा कि यहाँ पे आप समझ सकेंगे कि क्वाइटिक फंक्शन एक्चुअली एक तरह का कॉयटिक इक्वेजन्स एक तरह का फंक्शन है एक्स का और जब मैं बोल रहा हूँ फंक्शन तो फंक्शन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग होता है कब मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है वो कंसेप्ट में हम लोग यहाँ पे स्लाइटली टच ऑन करेंगे और फिर हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और फिर हम सारे टॉपिक्स को हम लोग समराइज़ करेंगे तो एक एक सिंपल जो हमारा प्री बोर्ड लेवल पर जो हमने क्वाटिक जैसे देखा था ये, ये हमारा है एक सिंपल कोई भी क्वाटिक इक्वेजन हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो पावर है एक्स का जो हाईएस्ट पावर है वो दो है क्वैड दो तो जब भी एक पॉलिनोमियल हो उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स के आप उसको अगर लिखें और उसका जो हाईएस्ट पावर है वो दो हो <coughs> तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बोलते हैं इसमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि स्क्वायर एक्स जो um, जो नेक्स्ट uh, इसके जो पावर्स हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं और मैक्सिमम इसका दो है एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इज इक्ल टू समी ये क्वाइटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट पावर ऑफ एक्स है दैट इज नॉट एन इंटीजर दैट इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर तो ये आप ध्यान रखें क्वाइटिक इक्वेशन अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि जब आप पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में um, अरेंज कर रहे हैं तो जो हाइस्ट पावर uh, uh, है एक्स का दैट शुड बी टू एंड द कंजिक्यूटिव जो एक्स के पावर हैं वो या तो जीरो mm, हो या वन हो अगर वो फ्रैक्शंस में है तो दैट विल नॉट बी अ क्वाल्टी इक्वेजन आपको फ्रैक्शन हटाना होगा या एक्स अगर डेनोमिनेटर में है तो दैट इज स्टिल नॉट क्वालिटी इक्वेजन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज टू के अगेन ये क्वाल्टी इक्वेजन का फॉर्म नहीं है क्योंकि जब आप एक्स को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी इज इकल टू के एक्स तो आप देख सकते हो कि यहां पे x का जो पावर है वो क्यूब में चला गया तो स्टेट में ये देखते हुए कि जो x का मैक्सिमम पावर है वो दो है दैट विल नॉट आप क्वालिफाई एज ए क्वायटिक आपको देखना होगा बाकी x के पावर्स भी क्या हैं और दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स और उसमें जो मैक्सिमम अगर टू है तो दैट विल बी नेम्ड एज क्वायटिक इक्वेजन तो ये एक हमारा जनरल फॉर्म हो गया क्वालिटी इक्वेशन का